दे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी के दिन हमें व्रत रखना होता है और व्रत करने के बाद हमें कथा सुननी चाहिए। तो कौन सी कथा हमें सुननी चाहिए और अहोई अष्टमी की कथा से पहले हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, तो वो सारी कथा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोनों ही कथा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सुनाती हूँ आपको आज की ये व्रत कथा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए हमें गणेश भगवान की स्तुति कर लेनी चाहिए। वर्कतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि समय प्रवाह निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्यु सर्वदा। और सबसे पहले भगवान गणेश की ही कहानी सुनी जाती है। तो सबसे पहले अपने हाथों में आप थोड़े से चावल ले लीजिए, थोड़े से आप ध्रुवा ले लीजिए, उसके बाद आप कथा सुनिए। तो फ्रेंड्स, एक दिन की गणेश भगवान की कथा जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लेके आई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि बाहर मैं बाहर जाता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा ज़मीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया था। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया है, जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा ज़मीन पर पड़ गया था, सो मेरा भोग लग गया। सो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बाँट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दे दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसी सब किसी को दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की गणेश भगवान की कथा। तो चलिए फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की कौन सी कथा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अहोई अष्टमी की व्रत की कथा फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके सात बेटे थे और सात बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर एक स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचे लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको बच्चा होता, वह सात दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान सातवें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुराई गाय की सेवा करो, सुराई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा अब तू गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, सात समुद्र प्यार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तो अब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे सात बेटे और सात बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, सात बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी की कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारी पास बंदी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे सात बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, सात अहोई बनाकर सात कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो घर वहाँ देखा कि सात बेटे बैठे हैं और वहाँ खुश हो गई। उसने अपने साथ अहोई बनाई, सात उजमन किए और सात कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक
पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक क्यों ना रोई। बच्चों ने आकर देखा तो चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोक कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली थी, अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोक खोल दी है। तो स्याऊ माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोक खोलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की व्रत कथा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये व्रत कथा आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो। तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये आज की व्रत कथा कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अहोई माता आप सभी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी का उज्ज्वल भविष्य बना रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।